परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। के लगभग 1:15 बज रहे हैं और जिस तरीके से हाईवे के पास लगातार पिछले 1.5 सालों से लूट की वारदात होती जा रही है, ऐसे में यूपी पुलिस को मुस्तैद हो जाना चाहिए था। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूं, थाना फेस 2 की चौकी पंचशील पर, लेकिन यहां भी हमें लगता नहीं है कि कोई तैनात होगा। आइए फिलहाल देख लेते हैं कि दरअसल जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए खुद ही देख लेते हैं। ये जो चौकी का गेट है आप देख सकते हैं, बाहर से ही बंद है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पंचशील की जो चौकी है ये इसका गेट बाहर से ही बंद है। फिलहाल मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अंदर की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये पंचशील चौकी है और इसके अंदर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो बेड देख रहे हैं आप खाली पड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये जो कुर्सी देख रहे हैं ये भी खाली पड़ी है। मतलब कि अगर कोई किसी परेशानी में होगा और यहाँ पर इनसे सहायता मांगने आएगा तो आखिर कौन इनकी सहायता करेगा परेशान लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो चौकी है बिल्कुल हाईवे से सटी हुई है, एक्सप्रेसवे से सटी हुई है और बगल में ही एक्सप्रेसवे है। अगर कोई वारदात होती है तो आदमी तुरंत इनके पास आएगा, लेकिन फिलहाल इस चौकी के अंदर एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है। अब आइए थोड़ा सा इस कमरे में चलते हैं, यहाँ भी एक कमरा है चौकी से सटा हुआ, देखते हैं इसके अंदर कौन है। खुल नहीं रहा है, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं गेट खोलने की, देखते हैं। भाई साहब ये बताइए, ये जो चौकी है पंचशील की ये पूरी तरीके से खाली है, आप कौन हैं? अंदर आने दीजिए, एक मिनट अंदर। आप कौन हैं? लाइट जलाइए। आप कौन हैं बताएंगे कुछ? भाई साहब बताएंगे कुछ? क्या हो गया? आप कौन हैं? आप कौन हैं बताएंगे कुछ? भाई साहब कुछ बताएंगे? भैया बोलो क्या हुआ? ये चौकी है, हाँ। आप इसमें सो रहे हैं, हाँ, आप हाँ। कौन हैं? मेरी ड्यूटी खत्म हुई है, दिन ड्यूटी खत्म हुई, रात में सो रहा हूँ। और जो रात वाले हैं वो कहाँ हैं? वो ड्यूटी पीसीआर पे गए हैं, पीसीआर पे गए। अगर ऐसे में किसी को परेशानी होती है वो चौकी पर आएगा, उनकी मदद कौन करेगा? पीसीआर करेगी, पीसीआर पे कॉल कीजिए आप। फिलहाल थोड़ा सा अभी हम डायल कर लेंगे 100 भी, फिलहाल थोड़ा सा साइड दीजिए। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से, क्या नाम है फिलहाल आपका? दिन में थे ठीक है, आप देख सकते हैं सुनील कुमार यहाँ चौकी के अंदर मौजूद है और ये लाइट बुझा रहे हैं। और ये जो पूरी बिस्तर आप देख सकते हैं, फिलहाल एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। और जब सुनील से बात की गई, सुनील से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो पहले तो सुनील कतराते नजर आए, बताने में झिझकते नजर आए, लेकिन सुनील का कहना है कि वो दिन में ड्यूटी कर रहे थे। फिलहाल सभी लोग पीसीआर में तैनात हैं और वहाँ फील्ड पर गए। पहुंचे हैं थाना फेस 2 के NSEZ चौकी पर और आप देख सकते हैं ये पूरी चौकी है जो NSEZ थाना फेस 2 की चौकी है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां जब आके हमने देखा तो बाहर कुंडी लगी है। अब इसके बाद हम देखते हैं अंदर चल के कि दरअसल अंदर में है क्या, क्योंकि कुंडी लगी है, ताला नहीं लगा तो हम खोल सकते हैं। और आइए अंदर लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए ये रूम है और बाहर से एक रूम के अंदर भी एक अंदर रूम नज़र आ रहा है। जैसे कि पूरा रिसेप्शन खाली पड़ा है, ये बेड है, यहाँ बेड भी खाली पड़ा है और सामने आप देख सकते हैं ये जो पूरा कैबिन है पूरी तरीके से खाली पड़ा है। लेकिन एक ये जो गेट है ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो गेट है एक और गेट है इसके अंदर। आइए हम आपको इस गेट पर दिखाते हैं, इस गेट को हमें फिर से एक बार खोलूँगा, देखूँगा अंदर का माहौल है। ये फिलहाल बाथरूम है, लेकिन ये जो यूपी पुलिस की असलियत सामने नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं कि एक भी, अभी तक हम लोग 3 चौकी पर घूम के आए हैं और एक भी चौकी पर कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आया। ये है NSEZ चौकी का थाना फेस 2 की ये चौकी है और पूरी चौकी खाली पड़ी है, एक भी कर्मचारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं नोएडा के जो सेक्टर थाना 39 है उसकी बॉटनिकल गार्डन की चौकी पर और आप देख सकते हैं पूरा माहौल जो यहां पर है बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहां पर जो है वो अंदर से कुंडी लगी हुई है और मैं देखना चाहूंगा कि दरअसल ये जो अंदर से कुंडी लगी है वो किस लिए लगी है। आइए दरवाज़ा खटखटाते हैं और पता करते हैं।
ये जो कुंडी लगी है कितनी लगी है। भाई साहब सो रहे हैं? हाँ जी। ड्यूटी पर हैं? ड्यूटी पर नहीं है। नाम क्या है आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह चौकी इंचार्ज कौन है? सुशील कुमार बैठी। तो देखिए अब मैं अंदर का माहौल दिखाऊंगा। ये भाई साहब जो हैं सोमपाल सिंह जी तकिया तान के बढ़िया से सो रहे हैं। इनकी स्थिति देखिए चद्दर में है। थोड़ा सा चद्दर हटाएंगे क्या? ज़रा सा हटा दीजिए। ये मैं दिखाने देखने, ये देखिए आप बिल्कुल पूरे कपड़े उतार के आइए, थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ। और सोमपाल जी थोड़ा सा लाइट जलाएंगे क्या? ये जो बिल्कुल देख रहे हैं आप बेड पे बिल्कुल पंखा चल रहा है, मुस्तैदी से सो रहे हैं। देखिए बाकायदा वर्दी उतार के यहाँ सोया जा रहा है, पंखा चल रहा है फर्स्ट क्लास, मॉनिटरिंग भी हो रही है। दूसरी तरफ दिखाऊंगा ये जो सीसीटीवी रोड्स पे लगे हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। लेकिन सोमपाल जी जो हैं इनकी तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। सोमपाल जी बाकायदा बिस्तर तान के सो रहे हैं, देखिए कितने मज़े में सो रहे हैं अब, और नाराज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी लग रहा है, गुस्से में है। और पूरी चौकी खाली है फिलहाल। सोमपाल सिंह जी ये बताएंगे कि आप अगर सो रहे हैं तो चौकी पे कौन रहता है? इंचार्ज साहब है नहीं क्या? इंचार्ज साहब लाइट पे खाने पे हैं, मतलब चौकी पे आप सोएंगे और इंचार्ज साहब थाना देखेंगे। हम दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं। मतलब इंचार्ज साहब थाना देखेंगे, चौकी छोड़ देंगे? क्यों? अगर ऐसे में किसी को यहाँ पर ये गलत कर रहे हो जी, बताएं दिन रात रहते हैं जी जी। लेकिन अभी तो हमें नदारत पाए गए ना, आप गलत कर रहे हो। हम तो गलत कह ही रहे हैं, हमें तो नदारत पाए गए ना, आपने कहा थाने में। आप गलत कर रहे हो। चलिए ठीक है, मैं फिलहाल आप सो रहे थे ना? हाँ सो रहे थे। ठीक है, अगर कोई वारदात हो जाती है तो आपको जगाएगा? तो सूचना मिलते कल पहुँचेंगे जी। सूचना मिलते कल पहुँचेंगे? नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अगर जी जी वर्दी टंगी हुई है, देखिए वर्दी भी दिखा रहे हैं आप, वर्दी कपड़े उतार के सो रहे थे और तनी हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ 24 घंटे वर्दी में बैठे रहेंगे? ये पूछ रहे हैं हम, ये बताइए, ये बताइए आप 24 घंटे वर्दी में बैठे रहेंगे? हम ये कुछ नहीं कह रहे, हम ये पूछ रहे हैं कुछ तो जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई वारदात हो जाती है तो आपको जगाएगा? जगाएगा क्या आपको? जगाएगा भाई, ये बताइए पुलिस लोगों को जगाएगी कि लोग पुलिस को आकर जगाएंगे? अब ये सोमपाल जी हैं, इन जब इनसे पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि जिसको ज़रूरत होगी वो आकर जगाएगा। और दूसरी तरफ ये हमको ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं नोएडा के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, अट्टा पर सेक्टर 18 पर। और ये आप देख सकते हैं ये सेक्टर 20 की चौकी है, अट्टा की जो ये अट्टा की चौकी है, थाना सेक्टर 20 लगता है। ये देखते हैं कि इसके अंदर का क्या हाल है, क्योंकि बाहर से कोई नज़र नहीं आ रहा और सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है। ये पूरी तरीके से खाली है और आइए अंदर आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ना चाहिए था या किसी एक कर्मचारी को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हम अभी तक कितने भी चौकी पर गए हैं वहाँ पर हमें कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं आया है। यहाँ पर बाकायदा ये जो कुर्सी है ये खाली पड़ी है। ये जो चौकी है TGIP की चौकी है और थाना इसमें लगता है सेक्टर 39। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई भी कर्मचारी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से लोग रात में अगर परेशान हो सकते हैं तो उनकी मदद के लिए कोई निकल सकता है, आ सकता है या नहीं, क्योंकि पुलिसकर्मी एक भी नहीं है। और देखिए लापरवाही तो देखिए, अगर सीट पर तैनात नहीं है तो साहब अपनी टोपी भी छोड़ के चले गए हैं। ये टोपी कोई भी आके जिस तरीके से हम आ चुके हैं चौकी के अंदर और ले जा सकता है और किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है, लेकिन साहब अपने वर्दी के रुआब में टोपी यहाँ छोड़ के गए हैं। पूरी कुर्सी खाली है, सब कुछ इतना VIP व्यवस्था है, पंखा लगा है, पीछे AC लगी है, लेकिन इस चौकी में तब भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। गोल
चक्कर सेक्टर 1 की चौकी के बाद अब हम आ पहुंचे हैं सेक्टर 6 की चौकी पर, और इसका भी थाना सेक्टर 20 ही लगता है। और आइए देखते हैं ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, ये देखिए पूरा सुनसान सपट्टा सा पड़ा हुआ है। और आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। ये देखिए आप, ये जो पुलिसकर्मी हैं सो रहे हैं चादर तान के, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा तीन तीन पुलिसकर्मी सो रहे हैं, इनको जरा से भी कोई फिक्र नहीं है। मतलब चौकी के अंदर तीन तीन पुलिसकर्मी सो रहे हैं और घोड़े बेच के सो रहे हैं, इनको जरा सा भी आभास नहीं है कि कमरे में कोई आ चुका है। देखिए एक जो शख्स है ये सामने है हमारे, इनको जरा सा भी अगर इस तरीके की कोई अनहोनी हो जाती है तो इनको पता नहीं है। बाकायदा पंखा चल रहा है, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता चला है कि मैं हम लोग कमरे में अंदर आ चुके हैं। ये जो चौकी है ये सेक्टर 11 की चौकी है, हरिदर्शन चौकी, और इसका जो थाना लगता है सेक्टर 24 लगता है। अब हम यहाँ जब आए हैं तो देखिए सामने ही आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तो मौजूद है, लेकिन बेचारे बहुत घोड़ा बेच कर सो रहे हैं। ये थोड़ा सा बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसुध होकर सो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये जो बगल में एसी चल रहा है इसके अंदर भी कोई सो रहा है। अब देखिए ये भाई साहब अपनी ड्यूटी पे बखूबी सो रहे हैं, और हम आगे से धीरे से ये कमरा खोलते हैं, देखते हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये उठ पाते हैं या नहीं। देखिए इन भाई साहब से बात करते हैं, फिलहाल ये कमरा खोलने की कोशिश करते हैं। ये कमरा अंदर से लॉक है, खुल नहीं रहा है, अभी इसको भी खुलवाएंगे, फिलहाल इनसे बात करते हैं। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया है, इनको कोई फिक्र नहीं है। अब हम पूछ ही लेते हैं इनसे कि आखिर इनके क्या है, देखते हैं। क्या नहीं भाई साहब, ठीक हो? सो रहे थे क्या? अभी मतलब अभी मतलब 2 मिनट पहले। सरकार आपको सोने के पैसे देती है? नहीं मतलब अभी 2 मिनट पहले ही आग दी। अगर यहाँ पर कोई आएगा जो परेशान होगा वो कैसे बात करेगा आपसे? क्या नाम है आपका? नाम बताएंगे? आपको सरकार पैसे देती है, सोने के अंदर भी कोई सो रहा है? आइए अब अंदर ले चलता हूँ, फिलहाल अंदर का नज़ारा देख लेते हैं। इन भाई साहबों को भी नहीं पता है कि हम लोग अंदर आ चुके हैं, जैसा कि अभी गेट पर जो कर्मचारी तैनात था उसको भी नहीं पता है। अब इनको जगाते हैं, इनको देखिए वो जो चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं इनको भी कोई होश नहीं है। कूलर की मस्त हवा चल रही है, नींद अच्छी आ रही है, और इसके आगे इनको किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये देखिए मैं इनको जगा रहा हूँ। क्या नाम? क्या नाम? संदीप भैया। जी भैया जी, सरकार आपको सोने के पैसे देती है? भैया दिन में ड्यूटी चल रही है, सोएंगे नहीं क्या? और ना रात वाले कहाँ हैं? रात वाले पीसीआर में हैं। ये देखिए ये भाई साहब भी जो कंबल तान के सो रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग दिन के हैं, फिलहाल इन लोगों ने दिन में मेहनत करी है इसलिए ये लोग सो रहे हैं। ये बता दीजिए क्या आप सही हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हों, इसलिए मैं आपसे खुद पूछता हूं क्या आप अपनी जगह सही हैं? नहीं अभी बता देता हूँ, 5 मिनट रही है, 5 मिनट में मतलब आँख लगी है। मतलब आप मानते हैं कि आपने गलती करी? हाँ गलती तो है, जब हम सो रहे हैं तो। जनता से माफ़ी मांगेंगे? नहीं जब हम सो रहे हैं तो गलती तो है ही है। जनता से माफ़ी मांगेंगे? मतलब आप सोएंगे, गलती करेंगे, गलती मानेंगे, लेकिन माफी नहीं? ये एक बात तो होता है जब हमने कह दी गलती है, क्यों गलती? जनता इसके जनता के पैसे से आप यहाँ काम करते हैं और जनता से ही माफी मांगने का आपका हक बनता है, तो आप जब गलती मान रहे हैं तो जनता से माफी नहीं मांग सकते? ठीक है, क्या नाम है आपका? हम तो सबसे गलती मांगने हैं। नाम क्या है आपका साहब? फिलहाल ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ये जो हरिदर्शन चौकी है इसके हालात आज पहली बार ऐसे कुछ नहीं है, ये जस के तस हैं। जेवर के पास हाईवे के पास लूटपाट होती है, सहारनपुर में जातीय हिंसा पर विवाद होता है, और पिछले 1.5 साल पहले बुलंदशहर हाईवे के पास गैंगरेप होता है, लेकिन यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही,
और हरिदर्शन चौकी लगातार इस तरीके की हरकतें करती नजर आ रही है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.